हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्जेक्ट नॉलेज ट्री मीन जीके और क्लास सेकंड। सो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकंड का जीके स्टार्ट कर रहे हैं। सो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपनी बुक ओपन करनी है और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3, जिसका नेम है इंसेक्ट क्रॉसबर्ड। इंसेक्ट क्रॉसबर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े। क्या होता है? कीड़े। क्रॉसबर्ड मीन्स वर्ग पहेली, यानी कीड़ों की वर्ग पहेली। तो आज हम कीड़ों की वर्ग पहेली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग इंसेक्ट क्रॉसबर्ड, यानी निम्नलिखित कीड़ों की वर्ग पहेली को पूरा कीजिए यूजिंग द क्लू गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्लूज का प्रयोग करके। ठीक है, तो कुछ नीचे हमें क्लूज दिए गए हैं बच्चों टेबल में, और यहाँ पर हमें एक इंसेक्ट क्रॉसवर्ड दिया गया है जिसको हमें पूरा करना है। ठीक, कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर हमें नंबर भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 2 है, 7 है, इस प्रकार नंबर दिए गए हैं, और हमें टेबल में भी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं नंबर 1 पढ़ता हूँ कि इसका क्या क्लू हमें दिया गया है। तो बच्चों ये कह रहा है, दिस इंसेक्ट हैज रेड बॉडी, यानी इस कीड़े की रेड बॉडी होती है विद ब्लैक स्पॉट्स, काले धब्बों के साथ। ठीक है ना बच्चों, देखो ब्लैक बॉडी यहाँ पर किसकी है? इसकी है ना, और इसके जो बॉडी पर आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक स्पॉट्स हैं, काले धब्बे हैं। ठीक, तो हमें इसका नेम राइट करना है नंबर 1 में। नंबर 1 किस तरह से है? ये इस तरह से। ठीक, तो बच्चों इसे हम कहते हैं लेडी बर्ड। क्या कहते हैं? लेडी बर्ड। तो LADYBIRD, तो यहां पर बच्चे क्या आएगा? लेडी बर्ड। ये हमने पूरा कर लिया। उसके बाद आगे अगला क्लू पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमें 5 वाला पढ़ूंगा डाउन को। ठीक है, तो यहां पर बच्चों दिस इंसेक्ट वर्क्स हार्ड एंड लिव्स इन ए बिग फैमिली। बच्चे कह रहा है कि दिस इंसेक्ट, यह कीड़ा वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, एंड लिव्स इन ए बिग फैमिली, और एक बड़े परिवार में रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा बच्चों? आपने देखा होगा कि जो हमारी चींटी होती है, चींटी वो निरंतर परिश्रम ही करती रहती है, और वह एक बहुत बड़ी फैमिली में रहती है, यानी उसका बहुत बड़ा परिवार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 5 में, ये देखो क्रॉस का निशान नीचे को है, तो इसका मतलब हमें आंट फिल करना है। क्या फिल करना है? आंट। आंट मीन्स क्या होती है? चींटी। तो मैं यहाँ पर एन और टी और राइट कर दूंगा, तो ए एन टी क्या हो गया? आंट। ओके, उसके बाद देखो 6 वाले नंबर ये जा रहा है नीचे को, तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो 6 वाले नंबर को रीड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 6 है, दिस इंसेक्ट होप्स एंड फ्लाइज। तो बच्चों दिस इंसेक्ट, यह कीड़ा, होप्स मीन्स होता है उदकना, उदकता है, एंड फ्लाइज और उड़ता है। बच्चों यह कीड़ा फुदकता है और उड़ता है, तो बच्चों इसमें ऐसा कौन सा कीड़ा है जो फुदकता है और उड़ता है? तो बच्चों क्या है? ये वाला है ना, आपने देखा होगा टिड्डा, इसको हम टिड्डा बोलते हैं, यानी ये फुदकता भी है और उड़ता भी है। ठीक, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 6 में क्या करना है? टिड्डे की स्पेलिंग को राइट करना है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेस होपर। क्या बोलते हैं? ग्रेस होपर, GRASS HOPPER। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ग्रेस होपर, ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अब यहाँ बच्चों 2 को फिल करना है इस तरह से। अब यहाँ 2 वाला क्लू हम पढ़ेंगे क्या है। कुछ ये कह रहा है, इट्स लिव्स इन ए डार्क एंड डर्टी प्लेस, यानी इट लिव्स इन डार्क एंड डर्टी प्लेस, यानी यह रहता है, डार्क मीन्स अंधेरे एंड डर्टी प्लेस, यानी अंधेरे में और गंदी जगह पर। तो बच्चों ये अंधेरे में रहता है और गंदी जगह पर रहता है, तो ऐसा कौन सा कीड़ा है जो गंदी जगह पर रहता है और अंधेरे में रहता है बच्चों? तो बच्चों वो रहता है कॉकरोच। क्या रहता है? कॉकरोच। आपने देखा होगा कि यह अंधेरे में पाया जाता है और अधिकतर गंदी जगह पर इसको हम देख सकते हैं, तो ये कॉकरोच आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? कॉकरोच। घर में भी पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉकरोच फिल करेंगे, COCKROACH, ठीक है,
ये हो गया कॉकरोच। क्या हो गया स्टूडेंट्स? कॉकरोच। उसके बाद आता है बच्चों ये थर्ड नंबर पे करेंगे। अब थर्ड नंबर पे क्या है? दिस इंसेक्ट मेक्स हनी। यह कीड़ा शहद बनाता है। तो सभी जानते हैं कि कीड़ा जो शहद बनाता है वो कौन सा कीड़ा बनाता है? तो बच्चों बनाता है हमारा कौन बनाता है? मधुमक्खी। ठीक है ना? तो यहां पर आएगा बी। क्या आएगा? बी। बी मीन्स मधुमक्खी। ठीक, तो बी डबल ई क्या हो जाएगा? बी डबल ई मधुमक्खी। उसके बाद आते हैं हम यहां पर सेवन पर। ठीक है, तो नीचे को जा रहा है ये। देखो सेवन हम देखेंगे। दिस इंसेक्ट सक्स आवर ब्लड। दिस इंसेक्ट यह कीड़ा सक्स चूसता है। आवर मीन्स हमारा, ब्लड मीन्स खून, यानी यह कीड़ा हमारा खून चूसता है। तो हमारा खून कौन चूसता है बच्चों? मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स मच्छर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मच्छर की फिगर यहाँ पर दिख रही है। तो ये बच्चों हमारे अगर हाथ पे बैठ जाता है या कहीं भी बैठ जाता है हमारे शरीर पर, तो क्या करता है? हमारा खून चूस लेता है। तो यहाँ पर आएगा मॉस्किटो। तो मॉस्किटो मैं फिल कर देता हूँ, एम ओ एस क्यू यू आई यू आई टी ओ, ये हो गया मॉस्किटो। ठीक, उसके बाद आएंगे हम बच्चों एट फिल कर देते हैं पहले। अब एट में क्या दिया है? दिस इज एन इरिटेटिंग इंसेक्ट। बच्चों दिस इज एन इरिटेटिंग इंसेक्ट। बच्चों यह एक परेशान करने वाला कीड़ा होता है। क्या है? एक परेशान करने वाला कीड़ा। ठीक, तो बच्चों ये क्या होता है बच्चों? घरेलू मक्खी होती है। क्या होती है? घरेलू मक्खी। ठीक है, आपने देखा होगा कि घरेलू मक्खी क्या करती है? हमारे खाने पर बैठ जाती है। ठीक, या फिर किसी वस्तु पर ये बैठ जाती है तो हमें इससे क्या आती है? घिन आती है, यानी हमें इरिटेट करता है, हमें परेशान करता है। ठीक है, तो यहां पर आएगा हाउस फ्लाई। क्या आएगा? हाउस फ्लाई, एच ओ यू एस ई हाउस, और क्या लिख देंगे? फ्लाई, एफ एल वाई। ठीक है, हाउस फ्लाई। उसके बाद बचा बच्चों फोर। अब फोर क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर देखें फोर में क्या दिखा है। दिस इज ए ब्यूटीफुल इंसेक्ट। यह एक सुंदर कीड़ा है। यह एक सुंदर कीड़ा है। तो बच्चों सुंदर क्या है इनमें? इनमें सुंदर क्या है? ये बटरफ्लाई होती है ना। बटरफ्लाई मीन्स तितली। ठीक है ना, तितली हमें बहुत ही अच्छी लगती है, पसंद करते हैं सब तितली को, तो इसलिए यहां पर आएगा बटरफ्लाई। ठीक, बी यू डबल टी ई आर, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, क्या हो गया? बटरफ्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको पूरा कर लिया है। ठीक है, ये जो हमारी क्रॉसवर्ड था, वर्ग पहली थी रिलेटेड टू इंसेक्ट, इंसेक्ट से रिलेटेड, इसको हम पूरा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लेसन नंबर फोर में। लेसन नंबर फोर है स्टूडेंट्स फ्लावर्स। क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, तो फ्लावर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों फ्लावर्स मीन्स फूल। जैसे राइट द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स के नेम राइट कीजिए, चूज नेम फ्रॉम द क्लूज, यानी क्लूज में से हमें नाम को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। जैसे यहां पर देखो ये टेबल दी गई, यहां पर हमें फ्लावर्स के नेम दिए हैं और यहां पर हमें सेलेक्ट करके चूज करके यहां पर लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला जो फ्लावर है वो किस चीज का है? तो बच्चों जो फर्स्ट फ्लावर है वो है हमारा डेजी फ्लावर। क्या है? डेजी फ्लावर। तो यहां पर मैं राइट करूंगा, सॉरी स्टूडेंट नॉट डेजी, इसको बोलेंगे हम पैंजी फ्लावर। क्या बोलेंगे? पैंजी फ्लावर। यस, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स पैंजी फ्लावर। तो यहां पर देखो पैंजी है ना, यहां पर तो पी ए एन एस वाई। ठीक है, इसको हम बन फूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? बन फूल। आगे देखेंगे नंबर टू। अब बच्चों नंबर टू है हमारा, तो बच्चों इसको हम गुलबहार का फूल कहते हैं। किसका फूल कहते हैं? गुलबहार। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स डेजी। क्या कहेंगे? डेजी। यहां पर इस पर लिखी हुई है डी ए आई एस वाई, तो यहां पर मैं लिख कर देता हूं डी ए आई एस वाई, डेजी। ओके, उसके बाद है थ्री। तो बच्चों थ्री है हमारा, इस फ्लावर का नेम है
डेफोडिल, क्या है डेफोडिल यानी कुमुद का फूल कहते हैं इसको, ठीक है। तो डेफोडिल हमें यहां पर फिल करना है, यहां पर देख सकते हैं डेफोडिल लिखा हुआ है, तो ये डेफोडिल यहां देख सकते हैं डेफोडिल, ठीक। तो डेफोडिल मैं यहां पर राइट करूंगा डी ए डबल एफ ओ डी आई एफ डेफोडिल। उसके बाद आता है फोर, तो बच्चों फोर है हमारा, तो बच्चों इसको हम कहते हैं बेल फ्लोवर, क्या कहते हैं बेल फ्लोवर, जिसकी स्पेलिंग यहां पर है बी ई डबल एल एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, ठीक है, बी ई डबल एल बी ई डबल एल बी ई डबल एल एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, ठीक है, बेल फ्लोवर। ओके स्टूडेंट, बी ई डबल एल एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, बेल फ्लोवर। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पर, तो जो फिफ्थ वाला फ्लोवर है हमारा वो है ऑर्किड, क्या है इसको ऑर्किड फ्लोवर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ओ आर सी एच आई डी, क्या हो गया ऑर्किड फ्लोवर। आगे देखेंगे सिक्स, बच्चों सिक्स है हमारा, देख सकते हैं रेड कलर के फ्लोवर है यहां पर, तो बच्चों इसको हम पॉपी फ्लोवर कहते हैं, क्या कहते हैं पॉपी फ्लोवर, ठीक, जिसे हम खसखस भी बोल देते हैं, खसखस फ्लोवर। तो यहां पर हम पॉपी फिल करेंगे पी ओ डबल पी बाय, ठीक है, पॉपी फ्लोवर। तो बच्चों मैंने लेसन नंबर फोर भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है और लेसन नंबर थ्री में कंप्लीट करा ही चुका हूं, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई भी होगी, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहें।